ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार मैं उसमें शामिल होऊंगा। शांति हो जाएगा और जितनी बड़ी स्थिति होती ना, जितने बड़े पद पर होते हैं, लोगों को मेरुदंड में लगता है कि आपके मूलाधार के पास से लेकर L1 से L5 से लेकर नाभि और हार्ट फेफड़े की समस्या का समाधान हो जाएगा। पर समाधान के लिए स्वयं को ही जागृत होना पड़ता है, स्वयं को ही करना पड़ता है। इसको सेतु बंद कहते हैं। लंबी गहरी सांस, इससे कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पंजों का दर्द, एड़ियों का दर्द, ढिंगाओं का दर्द, पिंडियों का दर्द सदापन हो जाता है। पर लेकिन धीरे धीरे सीधे आ जाएंगे। लेकिन करना कितना, 5 मिनट, अब कोई आधे मिनट करे बोले लाभ नहीं हुआ। काम मुझे 3 बजे से जाग कर तुम रात की 11 बजे तक जागते रहते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे और हाथ उठाकर धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। अच्छा, पेट को आगे खींच लो, शरीर को आगे खींच लो, खींचकर धीरे धीरे आगे की तरफ अपनी नासिका नहीं लगाना, टोड़ी लगाना दादी जमीन पर। दोनों पैर खोलने लगेगा कि आपका शरीर कब बदल गया। चर्चा करते बोले कि मेरे पास तो कुछ है और क्या की बात की, हम बाइक कर जाएंगे। यदि हम पुनः आपकी छाती से आपकी टोड़ी लग जाना चाहिए, फिर भी ये बड़ा गड़बड़ मामला है। तो भोजन में तो नहीं कहते कि परोसी खा ले, अपन ना खाओ। गारंटी दिलवा सकता हूँ कि यदि आपने श्वास भर ली तो आज ही जागृति आ जाएगी। पूरी गर्दन को घुमाना, आनंदमय पर देखना के साथ दोनों कोहनियों को मिलाकर थोड़ी प्रसन्नता में रहिए। नीचे की तरफ से जाना है, अब नीचे की तरफ से जाए, पर करना है। करेंगे तो ही बदलाव होगा, बिना करे बदलाव हो नहीं सकता। और आज 35 से 40 साल के दोनों हाथ नीचे करेंगे, पुनः साथ भरेंगे। 35 से 40 साल युवाओं को बहुत ज्यादा बीपी की समस्या हो रही, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल ध्यान फिर हम अगला योगमय साधना आरंभ करें। लंबी गहरी सांस और सांस के अंतिम छोर तक अनुभूति कीजिए कि सांस अंतिम छोर तक जाती कहां है। तो हम 3 बार ऐसे बदलेगा और कोई काम करवाना तो प्रणाम करना पड़ता है, इसलिए प्रणाम करा करो। चलो, अपने चरणों का दास बना ले, फिर वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में यह जीवन है तेरे हवा। और कहीं अगर मेवा पकवान बन जाए तो फिर तो 4 गुना ज्यादा होना। धीरे धीरे 2 बार घुमा ली आराम। तो इसलिए अभी कहिए कि हम चेहरा थोड़ा प्रसन्न रखिए, आनंद में रहिए। भीतर आपको प्रसन्नमय तब होंगे
जब आपके तन में कोई चिंता ही चिता बनाती, इसलिए ध्यान रखिए चिंता को त्याग दीजिए। दोनों हाथ शमित, कान को स्पर्श होना चाहिए, दोनों हाथ बाहर की तरफ होना चाहिए और मन आनंदित होना चाहिए। यदि मन आनंदित तो दोनों रख लिया, कहां से मामला ठीक होगा भाई, चलो ऐसे खींच लो अपने आप, तो उसका वजन संभालने की क्षमता जो है ना 100 सीसी की, वो ज्यादा से ज्यादा 1 क्विंटल, ये से ज्यादा ना रखो नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब जिस चिंता ही चिता बनाती, इसलिए ध्यान रखिए चिंता को त्याग दीजिए। दोनों हाथ शमित, कान को स्पर्श होना चाहिए, दोनों हाथ बाहर की तरफ होना चाहिए और मन आनंदित होना चाहिए। यदि मन आनंदित तो दोनों आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने योग को हमारे देश से निकलकर विश्व का एक अभियान बना दिया है, उसी के अंतर्गत हमने आज देवास में भी नगर पालिका निगम देवास, आयुष विभाग और देवी योग संस्थान के माध्यम से योग का हमने बड़ा कार्यक्रम किया है। तो इसमें पूरे देवास के नागरिक बंधुओं से हमने आग्रह किया था कि इसके अंदर सम्मिलित हो, योग को आज सीखने का दिन है लेकिन अपने जीवन में उतारें। और जैसा कि हमने देखा है, समझा है, योग करने से हमें निरोगी काया मिलती है, तो हम सब लोग योग करें, योग से निरोग रहें, हमारा देवास स्वस्थ रहेगा, हमारा प्रदेश स्वस्थ रहेगा और हमारा देश स्वस्थ रहेगा, इसी कामना को लेकर हमने आज यहाँ पर कार्यक्रम किया है। और सबको योग दिवस के पावन अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर बताइए, आज योग दिवस का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उस पर प्रोग्राम आयोजित हुआ स्पोर्ट्स पार्क में, क्या मानते हैं आप, कितना जरूरी है योग? और सीएम साहब का और पीएम महोदय का भी इससे पहले उद्बोधन हुआ और देवास के स्पोर्ट्स पार्क में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देवास के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इवन यूएन में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, उसी के तारतम्य में आज देवास में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमारे योग गुरु राजेश बैरागी जी के मार्गदर्शन में आज हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया है। इससे एक तरफ बहुत अच्छा मैसेज तो जाएगा ही कि हमें किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना होता है, साथ में जो हमारे युवा हैं वो किस प्रकार से योग से अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रेरणा आज योग गुरु जी के द्वारा दी गई है। तो इसी के लिए मैं चाहूँगा जितने भी देवास जन हैं, देवास के नागरिकगण हैं, वो सभी हमारे राजेश गुरु जी जैसे प्रबुद्ध जनों से प्रेरणा लें और सब लोग रोजाना योग करें। एक दिन तो आज योग दिवस मनाया जाता है, लास्ट डे हमारा सवाल है, 364 डेज और इसको प्रमोट क्या प्रशासन भी करेगा आने वाले? प्रयास करेगा कि आयुष विभाग के माध्यम से योग को हम और प्रमोट देवास जिले में करें। थैंक यू।